बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के सातवें दिन भी विपक्ष के तेवर तल्ख रहे। विपक्षी दलों के सदस्यों ने घोटालों और नियोजित शिक्षकों की हड़ताल को लेकर सदन और सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आरजेडी के विधायकों ने सदन पोर्टिको में जोरदार प्रदर्शन किया। जब कार्यवाही शुरू हुई तो बिहार में घोटालों की जाँच की मांग को लेकर आरजेडी के विधायक अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आरजेडी के सदस्यों ने नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के मुद्दे पर भी नारेबाजी की। बिहार में शिक्षकों की हड़ताल जारी है। हड़ताल तोड़वाने की दिशा में सरकार की तरफ से पहल नहीं किए जाने को लेकर शिक्षकों के भीतर आक्रोश गहराने लगा है। शिक्षकों की हड़ताल की वजह से 76,000 स्कूलों में पढ़ाई ठप है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के समन्वयक ब्रजनंदन शर्मा और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा का कहना है कि सरकार बातचीत नहीं कर रही, उल्टा शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है, जो बिल्कुल सही नहीं है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लग गई है। बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग में 14 पदों के सृजन पर मंजूरी दी है। इसके अलावा ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए किसानों को राहत को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 11 जिलों के किसानों के लिए 60 करोड़ की राशि इनपुट सब्सिडी के रूप में मिलेगी। बिजली के लिए कृषि बिजली फीडर की मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए कैबिनेट से 1,748 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बिजली के तार बदलने के लिए कुल 108 करोड़ की राशि की मंजूरी मिली है। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 5 फरवरी 2020 को 6 साल की मासूम बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बच्ची के चाचा मीठू राय और उसके दो दोस्त पंकज मोहली और अशोक राय आरोपी थे। दुमका की पॉक्सो कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा देने का ऐलान किया है। इस मामले में खास बात यह है कि ये देश का पहला मामला है जिसमें चार्जशीट दाखिल होने के महज 4 दिनों बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों मीठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को अपहरण, गैंगरेप और हत्या का दोषी मानते हुए फांसी सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 जुर्माना लगाया गया है। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। विपक्ष के हंगामे के बीच सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए करीब 86,370 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में सरकार ने तोहफों की बारिश कर दी है। दिल्ली की तर्ज पर जहां मुफ्त बिजली और फ्री इलाज की घोषणा की गई है, वहीं सरकार ने चुनावी वादे के अनुरूप किसानों के कर्ज माफ करने का ऐलान भी किया है। साथ ही बजट में 8% विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एक तरफ सरकार बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के प्रावधान पेश कर रही है, तो दूसरी ओर पहले से मौजूद व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बोकारो में सदर अस्पताल में मरे हुए इंसान को ऑक्सीजन देने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, उसे स्लाइन भी चढ़ाया जा रहा था और जैसे ही इसकी भनक परिजनों को लगी तो हंगामा हो गया। पटना में अपराधियों के हौसले तो बुलंद हैं ही, चोरों का आतंक भी कुछ कम नहीं। जरा सी नजर हटी और चोर हाथ की सफाई दिखा जाते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक शख्स ने सरेराह बाइक की चोरी कर ली। बाइक चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी पहले तो ट्रक के पीछे रेकी करता है और फिर मौका देखते ही बाइक लेकर फरार हो जाता है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई है। मोतिहारी जिले के ढाका थाना क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में बेखौफ अपराधियों ने दो जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जहां अपराधियों ने पहले शिवम ज्वेलर्स दुकान में गार्ड को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया, तो वहीं चंदनबारा में हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से हथियार के बल पर 1,00,000 रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना को अंजाम बाइक सवार 4 अपराधियों ने दिया है। लूट की पूरी तस्वीर पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद तस्कर रोजाना शराब की तस्करी के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कटिहार के नगर थाना इलाके में दूध व्यवसायी की आड़ में शराब का कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर दूध व्यवसायी पर कार्रवाई की और दुकान में रखे दूध के केन से कई लीटर शराब बरामद की। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के हरिगंज चौक पर दूध व्यवसायी की आड़ में शराब बेचने का काम किया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चुलाई शराब बरामद किया है। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। छपरा में मिथिलेश नाम के एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सहाजितपुर में हुई इस वारदात का आरोप शख्स के ससुराल वालों पर लगा है। आरोप ये भी है कि हत्या के बाद सबूतों को मिटाने के लिए युवक के शव को एक बगीचे में ले जाकर जला दिया गया। गांव वालों ने बगीचे में मिथिलेश का रस्सी से हाथ पैर बंधा शव देखा तो मामले का खुलासा हुआ। अब घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी है।